अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबरली आशमी। आज की जो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपको कुछ अहम चीज़ बताना चाहता हूँ। आज देखिए, मुझे काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ रब्ता करते हैं अच्छाइयों को लेकर, उनमें ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं। लड़के भी रब्ता करते रहते हैं, लेकिन लड़कों में ये प्रॉब्लम अच्छाइयों की अगर आ भी जाती है तो उससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर कोई बुरे असरात नहीं पड़ते। चेहरे के ऊपर अच्छाइयाँ हैं, देखने में थोड़ी सी बुरी लगती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़त्म हो जाएंगी, या ना भी हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन लड़कियों के चेहरे के ऊपर जब अच्छाइयाँ आती हैं तो ये ज़्यादातर जो अच्छाइयाँ आ रही होती हैं ये आती हैं PCOD की प्रॉब्लम की वजह से। अब PCOD क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आगे चल के मैं कुछ और अहम चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, इस चीज़ को आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो पूरी देखे बिना आज आप वीडियो बंद नहीं करेंगे। लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन वीडियो देखनी पूरी आपने। अच्छा, होता क्या है कि लड़की के अंदर जो यूट्रस होती है उसके साथ दो ओवरीज होती हैं। अब यूट्रस बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, बच्चेदानी के साथ ये जो ओवरीज होती हैं इनका बहुत अहम किरदार होता है, या कह लें कि ये एक मेन चीज़ होती है बच्चे पैदा करने में, रिप्रोडक्शन सिस्टम में। अब ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। अब ये जो ओवरीज होती हैं इनमें से अंडे निकल के आते हैं यूट्रस में, जब मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके बाद, जो हम बिस्तरी के बाद, ये यूट्रस जो है इसके अंदर जो मेल का जो होता है सीमन वो चला जाता है, ओवरीज में से अंडे निकल के आते हैं, तो यहाँ पर बच्चे की पैदाइश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अब ये जो ओवरीज हैं इनमें इन्फेक्शन होने को हम कहते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS भी इसको कहा जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, और जितनी भी लड़कियों को चेहरे के ऊपर छाइयाँ हैं उनमें से ज़्यादातर लड़कियों को, हर लड़की को तो नहीं, और भी मसाइल होते हैं, छाइयाँ और भी मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को ये जो पिगमेंटेशन, मुलाजमा, फ्रैकल्स, ये चेहरे के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हत्ताकि एक्नी भी, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की एक्नी है वो भी आपकी PCOD की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। अब मसला क्या है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्रियाँ थोड़ी सी पुरानी हैं, तब ये PCOD की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती PCOD की प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉब्लम को कवर करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो फीमेल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेडी डॉक्टर के पास लड़कियां जाती हैं अपने पीरियड्स की प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि जैसे ही ये PCOD की प्रॉब्लम होती है तो पीरियड्स या तो पहले आ जाते हैं डेट से, या बाद में आते हैं, या कभी एक दिन के लिए आ गए, कभी दो दिन के लिए आ गए, तो पूरा महीना ही पीरियड चलते रहते हैं, कभी रुक गए कभी आ गए, और पेनफुल पीरियड होते हैं, या बहुत ज़्यादा पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और पेन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लड़कियों को यहाँ पे ये जो पेट का ये हिस्सा है यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाती है, और चलने फिरने से वो थोड़ी सी ठीक होती है, जब वो रेस्ट करती हैं तो फिर पेन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं PCOD के। अब इसका जो इलाज है, मैं आपको इलाज नहीं बताने वाला, मैं जस्ट आपको ये एक नोटिस दे रहा हूँ कि आपको अगर इनमें से कोई भी मसला है तो छाइयों को एक दफ़ा साइड पे करें। छाइयाँ बहुत छोटा मसला है, सिर्फ चेहरे के ऊपर नज़र आती हैं, ये एक अलामत दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, ये कुदरत है कि हमें एक पहले नोटिस दिया जा रहा है कि आपके चेहरे के ऊपर ये जो मसला है ये आपके अंदर किसी मसले की वजह से ये बाहर नुमाया है, तो इसको ठीक करवाएं। और ये जो छाइयाँ हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये एक बहुत छोटा मसला है, ये सिर्फ नज़र आती है, एक्चुअली जो अंदर प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो बाज़ मसाइल ऐसे भी हो जाते हैं कि एक तो बच्चा नहीं होता, ठीक है, शादीशुदा जो लोग हैं इस तकलीफ़ को वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जो कुंवारे लोग हैं उनके लिए ये चीज़ इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन जो शादीशुदा हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, और जिनके पास बच्चा नहीं ऑलरेडी वो भी जानते हैं कि अगर बच्चा नहीं होता शादी के बाद तो तलाक का मसला भी बनता है, और घरों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, और एक नेचुरल जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, तो बच्चा होना भी ज़रूरी है शादी के बाद, तो इस मसले में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। होता क्या है, हम जाके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, डॉक्टर्स की डिग्रियाँ थोड़ी सी पुरानी हैं, वो अपडेटेड नहीं है, तो वो इस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं डालते, इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और मतलब ध्यान ही नहीं देते PCOD के बारे में। अब मैंने 3-4 केसेस पहले इस तरह से देखे हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने कहा कि आप लेडी डॉक्टर के पास जाएं, तो लेडी डॉक्टर ने अपनी तरफ से नहीं कहा कि ये PCOD है, जब वापस आके उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है, तो मैंने कहा कि आपने उनसे PCOD के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा नहीं जी PCOD के बारे में तो नहीं पूछा था, तो मैंने कहा भाई आप उनके पास जाएँ, उनको खुद बताएँ कि हमें PCOD की प्रॉब्लम है, तो फिर वो मेल थे या फीमेल, वो गए उनके साथ रब्ता किया कि इस लड़की को PCOD की प्रॉब्लम है या नहीं, इस चीज़ के हमने चेकअप करवाने हैं,
तो फिर चेकअप हुआ तो पता चला कि हाँ यार प्रॉब्लम तो पीसीओडी की थी। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप फीमेल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनको ये खुद जाके बताएं, क्योंकि अगर उनके पास ये अवेयरनेस नहीं है तो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। आप उनको जाके बताएं कि हमें पीसीओडी के टेस्ट करवाने हैं, हमें ये जानना है कि हमें ये प्रॉब्लम है या नहीं। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है, वो आपको डॉक्टर ही बताएगा, मैं नहीं बताने वाला। उसके साथ जो मेडिसिन दी जाती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, लेकिन जो नॉर्मल है वो भी सस्ती नहीं है। मेडिसिन आपने यूज़ करते रहना है, और एलोपैथिक के अलावा इसका इलाज आपको होम्योपैथिक में भी मिल जाएगा, इसका इलाज आपको यूनानी जो हकीम लोग बैठे हैं हिकमत में भी आपको इसका इलाज बेहतर तरीके से मिल जाएगा। लेकिन चेकअप करवाने के बाद, टेस्ट करवाने के बाद आपने जाके ये किसी अच्छे हकीम से, होम्योपैथिक के डॉक्टर से या किसी एलोपैथिक के डॉक्टर से जाकर रब्ता करना है, और इसकी दवाई आपने 2 से 3 माह के लिए लेनी है, जब आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप बिल्कुल मुतमइन हो जाएं कि आप पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके चेहरे के जो मसाइल हैं वो खुद बखुद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छाइयाँ जो हैं ये बहुत छोटा मसला है। अगर आप शादी के बाद आप माँ नहीं बन सकती तो वो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है अगर हो सके तो इसको शेयर कर दें, फेसबुक के ऊपर शेयर कर दें लिंक इसका, या व्हाट्सअप पे किसी एक दोस्त के साथ, किसी अपने रिश्तेदार के साथ शेयर कर दें जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनके घर में बच्चा नहीं है। तो चेहरे के ऊपर छाइयों को लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत बड़ी होने वाली है। तो खैर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।